हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो फीस नहीं देने पर डीपीएससी चास ने शिक्षा मंत्री की नातिन का काटा नाम। मंत्री ने खुद जमा की फीस। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन रिया कुमारी का नाम 6 माह की फीस जमा नहीं करने के कारण ऑनलाइन क्लास से हटा दिया गया है। वह दिल्ली पब्लिक स्कूल चास में वर्ग 4 की छात्रा है। नाम काटने की सूचना पाकर शिक्षा मंत्री शनिवार को स्कूल पहुंचे और कतार में लगकर खुद बकाया राशि जमा की। यह रकम अप्रैल से सितंबर 2020 तक प्रति माह 3800 रुपए के हिसाब से 22800 रुपए थी। इस दौरान मंत्री ने ऑनलाइन क्लास से बच्ची को हटाने पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने साथ गई जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिंग तोपो को स्कूली की मनमानी के खिलाफ शीघ्र जांच करने का आदेश भी दिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से पहले ही पत्र जारी कर दिया गया है। आज खुद अभिभावक की पीड़ा जानी शिक्षा मंत्री महतो ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह आज एक अभिभावक के रूप में स्कूल आए हैं। फीस जमा की आए दिन मीडिया के माध्यम से अभिभावक के शोषण की बात लगातार सामने आ रही थी। आज इसकी हकीकत का पता चल गया है, उनकी पीड़ा समझ में आ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के अन्य निजी स्कूलों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक पुलिसकर्मी अड़े, वार्ता विफल। नौकरी अस्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों की मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ वार्ता विफल हो गई। इसके साथ ही सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। सहायक पुलिसकर्मी सेवा स्थायी करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले स्वच्छता और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आंदोलनकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री मानदेय और अनुबंधन बढ़ाने को तैयार है, कुछ अन्य लाभ भी मिलेगा। मंत्री ने तत्काल इसे जो है मान लेने का आग्रह किया है, लेकिन आंदोलनकारी तैयार नहीं हुए हैं। इसके बाद जो है मंत्री लौट गए। शुक्रवार को सहायक पुलिसकर्मी राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, तब उन पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी दागे थे। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि आंदोलन को तब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक उनको अस्थायी नहीं किया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो राज्य में 1222 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 10 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें से जमशेदपुर, रांची व पश्चिम सिंहभूम से 2-2, चतरा, धनबाद, लातेहार व रामगढ़ से 1-1 संक्रमितों की मौत हो गई है। अब तक कुल जो है 615 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 1274 स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 69,860 संक्रमित मिल चुके हैं और 55,697 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इस समय एक्टिव केस 13,548 है। शनिवार को बोकारो से 91, चतरा से 8, देवघर से 17, धनबाद से 74, दुमका से 13, पूर्व सिंहभूम से 179, गढ़वा से 34, गिरिडीह से 15, गोड्डा से 92, गुमला से 25, हजारीबाग से 33, जामताड़ा से 9, खुट्टी से 14, कोडरमा से 43, लातेहार से 17, लोहरदगा से 19, पाकुड़ से 10, पलामू से 65, रामगढ़ से 35, रांची से 284, साहिबगंज से 23, सरायकेला से 90 और सिमडेगा से 4 और पश्चिम सिंहभूम से 28 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से, कि कल से झारखंड में हो सकती है बारिश। उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बन रहा है, सोमवार से इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 5 दिनों में झारखंड के कई एक इलाकों में बारिश हो सकती है। 21 से 23 तक जो है राज्य के कई एक जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेन्नई की जीत के साथ आईपीएल का आगाज, मुंबई हारी। अबूधाबी चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल के 13वें सीजन के ओपिनियन मैच में मुंबई इंडियन को 5 विकेट से हरा दिया है। रायडू और डुब्लिस ने तीसरे विकेट के लिए 115 रन की पार्टनरशिप कर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही चेन्नई को अपनी कप्तानी में 100 जीत दिलाने वाले आईपीएल के पहले कप्तान बन गए हैं। अबूधाबी में खेले गए मैच में टॉस हारकर मुंबई ने 20 ओवर में 9 विकेट गवाकर 162 रन बनाए थे। सीएसके ने 19 ओवर 2 बॉल में 5 विकेट गवाकर 166 रन बनाकर जीत हासिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें कोरोना जांच के लिए आज 16 जिलों में चलेगा अभियान। रांची समेत राज्य के 16 जिलों में रविवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें से लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर इस बात का निर्देश दिया है। इस अभियान के तहत ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह जैसे हाट, बाजार, सब्जी, फल मंडी के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मियों की जांच की जाएगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है उनके संपर्क में आने वाले लोगों और कंटेनमेंट जोन में जांच की जाएगी। इस अभियान का मकसद अधिक से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीबीसी का बकाया 15 दिन में चुकाए केंद्र। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को डीबीसी में खरीदी गई बिजली का 5608.5
3-2 करोड़ रुपए का बकाया 15 दिनों में चुकाने के लिए नोटिस दिया है। समय की उल्टी गिनती 11 सितंबर को नोटिस जारी होने के दिन से ही शुरू हो गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया कि यदि जेबीएनएल ने दिए गए समय में डीबीसी का बकाया भुगतान नहीं किया तो 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते के शर्तों के तहत राज्य सरकार के आरबीआई खाते से यह बकाया 1417.50 करोड़ की 4 किस्तों में वसूल लिया जाएगा। पहली किस्त अक्टूबर में वसूली जाएगी, दूसरी किस्त अगले वर्ष जनवरी में, तीसरी किस्त अप्रैल और चौथी जुलाई में वसूल ली जाएगी। वसूली की गई राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह नोटिस शनिवार को मिली है। अब जो है सरकार के पास 26 सितंबर तक का वक्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ही पास ऊर्जा विभाग भी है। अगली बड़ी खबर की बात करें, राशन कार्ड के लिए 30 तक करें आवेदन। राज्य में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का शुभारंभ को लेकर शनिवार को डीसी छवि रंजन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने बैठक में उपस्थित सभी डीसी और वीडियो को कहा कि रांची जिले में योजना के तहत 132,514 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन किए जा सकते हैं। लोग योजना का लाभ पाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा उनके नाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। 1 से 10 अक्टूबर तक आवेदनों की जांच होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ पीबीएनएल के खिलाफ भूख हड़ताल पर 25 गांवों के 200 लोग, चौथे दिन 50 लोगों की तबियत बिगड़ी। पीबीएनएल सरकार व पुलिस प्रशासन के विरुद्ध 25 गांव में शुरू हुई भूख हड़ताल चौथे दिन शनिवार को भी जारी रही। भूख हड़ताल कर रहे करीब 200 ग्रामीणों में से 50 की हालत बिगड़ गई है। शनिवार को भी डॉक्टरों ने भूख हड़ताल कर रहे ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जांच की। वीडियो देवदास पाठक व गांव पहुंचकर ग्रामीणों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि पीबीएनएल में गई जमीन के बदले वे लोग नौकरी व सुविधाएं मांग रहे हैं। उनकी मांग को मानने के बजाय ग्रामीणों पर जायती दिखाई जा रही है। भूख हड़ताल कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलेगा उनकी भूख हड़ताल समाप्त नहीं होगी, भले ही उनकी जान क्यों ना चली जाए। ग्रामीणों ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में हम आदिवासी मूलवासी ग्रामीणों पर लाठियां बरसाई गई है, हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं और सरकार खामोश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार्रवाई, चिमटा लिखाकर एटीएम से पैसे निकालने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 2 फरार। जुलाई से आदित्यपुर क्षेत्र में सक्रिय थे। आदित्यपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गया व गिरिडीह के एटीएम हैकरों को एटीएम हैक कर पैसे निकालते गिरफ्तार किया गया है। दोनों आदित्यपुर थाना क्षेत्र की लाल बिल्डिंग चौक गमहरिया के उज्जैन स्मॉल फाइनेंसिंग कंपनी के एटीएम को हैक कर पैसे की निकासी कर रहे थे। पकड़ाए हैकरों में बिहार गया के रवि रंजन कुमार 26 वर्षीय व गिरिडीह के नीरज कुमार निराला 32 वर्षीय शामिल है। इसके 2 साथी विपिन कुमार व लटलू कुमार फरार है। एसपी आरसी और एसडीओ ने राकेश रंजन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह गिरोह झारखंड बिहार और बंगाल में सक्रिय था। सैकड़ों लोगों के लाखों रुपए एटीएम हैक कर को लेकर उड़ा चुके हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ जो है आप अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट खबर के साथ।